अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम इज़ गुड लाइफ। मैं अमरीन अली आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टोमेटो ओट्स चिकन सूप की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम बोनलेस चिकन, कोथमीर का एक कट्टा और 3 छोटे साइज़ के टमाटे। टमाटर को अच्छे से कट कर लेना है, उसमें 300 ml या 350 ml पानी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और उसे छान कर उसे उसका जूस रखना है। हम ओट्स 2 टेबलस्पून लेंगे और उसे भी 3 सेकंड के लिए ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 1 टीस्पून घी डालेंगे और उसमें प्याज डालकर 1 मिनट के लिए अच्छा भून लेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, वाइट ही रखना है, लो फ्लेम पे भुनेंगे। उसके बाद हम बीन्स की फली डाल देंगे 3 टेबलस्पून अच्छे से चॉप करके, उसे भी 1 मिनट के लिए भूनना है। तीन से चार लौंग डालेंगे। एक छोटा दालचीनी डालेंगे। चिकन डालकर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। हाफ टीस्पून हम नमक डालेंगे, नमक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हम एक चुटकी अजीनोमोटो डालेंगे और थोड़ा सा चिकन स्टॉक क्यूब डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है सब चीज़ों को लो फ्लेम पर ही। टोमेटो का जूस डालेंगे जो हमने पीस के छान कर रखा था। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 6 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें ग्राइंड करे हुए 2 टेबलस्पून ओट्स डालेंगे। अब हम इसमें कोथमीर का पूरा 1 कट्टा डालेंगे। कोथमीर से अच्छा फ्लेवर आएगा और अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसे ढककर फिर से 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और कोथमीर का कट्टा निकाल देंगे। सूप अच्छे से पक गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। पूरी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।